हेलो एवरी वन वेलकम टू लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द मटीरियल वेरियंसिस विद द मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल ईल्ड वेरियंस तो हमने लास्ट लेक्चर में भी मटीरियल मिक्स और मटीरियल ईल्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और कंफर्टेबल हो जाए कि मटीरियल मिक्स वेरियंस और मटीरियल ईल्ड वेरियंस हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं so, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट फॉर हंड्रेड के जी ऑफ केमिकल ए इज मेडअप ऑफ मटीरियल तीन है हमारे पास एक्स वाइज हेड तो हंड्रेड के जी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है एक्स में 45 40 फोर्टी ट्वेंटी फाइव तो फोर एट और ट्वेल्व ये तीनों जो हमको दिया है दिस इज अवर स्टैंडर्ड प्राइस काफी इजी कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड प्राइस इज ऑलरेडी गिवन और ये जो नीचे दिया है दिस इज अवर एक्चुअल प्राइस तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में तो कोई कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में नहीं है एक्चुअल प्रोडक्शन कहाँ है टू थाउजेंड यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन है इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी मटेरियल एक्स वाई जेड तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दिस इज अवर एक्चुअल क्वांटिटी तो एक्चुअल क्वांटिटी के वैल्यूज दिए हैं मतलब इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही आपको सॉल्व करनी है अगर हमने लास्ट क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा होगा तो लास्ट क्वेश्चन में वी हैव कैलकुलेटेड द एक्चुअल क्वांटिटी बिकॉज वहाँ पे हंड्रेड के जी का स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन था और हंड्रेड के जी के लिए ही ढूंढना था बट एक्चुअल फाइव हंड्रेड के जी का दिया था अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे सिंपल चीज़ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट कर लेंगे हमारे फॉर्मेट में स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वाटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी फोर फिर एट फिर ट्वेल्व ठीक है एक बार चेक कर लेंगे फोर एट ट्वेल्व और एक्चुअल प्राइस कितनी है थ्री पॉइंट एटी एट पॉइंट फोर्टी थर्टीन तो उसको अभी प्रेजेंट कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है जरा भी गलत हो गया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा थ्री पॉइंट एटी एट पॉइंट फोर्टी एंड थर्टीन फिर एक्चुअल क्वांटिटी हमारा था के में वन थाउजेंड फिर सेकेंड का था एट फिफ्टी एंड थर्ड का था फोर फिफ्टी इसका टोटल भी करके रखें ताकि जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगा वन थाउजेंड प्लस एट फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी तो यहाँ पे टोटल करके रखते हैं हम टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड यह एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लगता है अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए ध्यान से समझते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन देखो हंड्रेड के का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हंड्रेड के के लिए कितना मटीरियल लगेगा फोर्टी फाइव तो हम 200 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना मटेरियल लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले सॉल्व किया था उसी टाइप का कैलकुलेशन है तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं 100 के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा 45 फाइव के लगेगा हमारा प्रोडक्शन कितना है 2000 यूनिट्स के लिए हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड विल गेट आंसर एज नाइन हंड्रेड के ये फर्स्ट का कैलकुलेशन है सेकेंड के लिए कितना लग रहा है मटेरियल देखते हैं सेकेंड के लिए चेक कर लेते हैं सेकेंड के लिए एट फि फोर्टी के है थर्ड के लिए ट्वेंटी है तो डायरेक्टली अभी प्रेजेंट ही कर लेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो सेम इक्वेशन वन थाउजेंड वन थाउजेंड के लिए सेकेंड में कितना लगने वाला है ट्वेंटी फाइव तो टू थाउजेंड यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई थर्ड का भी कर लेंगे वन थाउजेंड यूनिट्स के लिए कितना लगेगा थर्ड में वन थाउजेंड के लिए यहाँ पे फोर्टी लगेगा यहाँ पे फोर्टी है थोड़ा सा मैंने सेक थर्ड वाले का ही लिख दिया है वन थाउजेंड के वन थाउजेंड के लिए फोर्टी टू थाउजेंड के लिए हाउ मच वन थाउजेंड के लिए ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड के लिए हाउ मच एक बार चेक कर लेते हैं यस फोर्टी है सेकेंड में सेकेंड में फोर्टी है थर्ड में ट्वेंटी फाइव फोर्टी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वन थाउजेंड यूनिट्स के लिए चालीस लगेगा टू थाउजेंड यूनिट्स के लिए हाउ मच तो आंसर कम्स टू एट हंड्रेड के जी और यहाँ पे आ जाएगा फाइव हंड्रेड के जी अब इसको भी प्लस कर ले नाइन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड इसका टोटल आ जाएगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल भी हमको इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम सिंपल सिंपल अपने जो वेरिएंसेस है वो सॉल्व कर लेते हैं क्या है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फिर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्स के लिए स्टैंडर्ड इज फोर माइनस एक्चुअल प्राइस इज थ्री पॉइंट एटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी क्वान्टिटी वन थाउजेंड अगर इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी हंड्रेड फेवरेबल थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ ध्यान से बिकॉज ये सारे क्लरिकल काम है कैलकुलेटर का आंसर आ जाएगा फिर एट माइनस एट पॉइंट फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय एट फिफ्टी तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री फोर्टी एडवर्स ट्वेल्व माइनस थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फोर फिफ्टी आ जाएगा फोर एडवर्स फिर हमको क्या करना है इनका टोटल करना है टेक द टोटल ऑफ दिस वन इज फेवरेबल बाकी दो एडवर्स मतलब आंसर एडवर्स ही आएगा फाइव नाइन्टी एडवर्स दैट in द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑल check the chart accordingly so द चार्टॉर्डिंगली वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू मटेरियल वेरिएंस पहले एक्स का सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट किया था नाइन हंड्रेड माइनस फर्स्ट का एक्चुअल क्वांटिटी वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है फोर ये बन गया फोर हंड्रेड एडवर्स वाई का सॉल्व करेंगे वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया दैट वॉज एट हंड्रेड एक्चुअल क्वान्टिटी कितना था क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्राइस कितना एट दैट इज ऑल्सो फोर हंड्रेड Z का सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस वॉज गिवन विल बी हंड्रेड बट नाउ दिस विल बी फेवरेबल सिक्स हंड्रेड में से चार सौ चार सौ दो पर माइनस को आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा एंड

मैं डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ पीडीएफ में से आप एक बार चेक कर सकते हैं सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट मैंने किए हैं तो नाइन फोर था सिक्स यहाँ पे आ जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस यहाँ पे आएगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ये आ जाएगा नेगेटिव आंसर नेगेटिव आंसर हाउ मच टू हंड्रेड एडवर्स फिर वाई का सॉल्व करेंगे वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाज एट हंड्रेड स्टैंडर्ड प्राइज वॉज फोर माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी वॉज एट फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस वॉज एट पॉइंट फोर्टी द वैल्यू कम्स टू सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ओवर हीयर एंड सेवन वन फोर जीरो ओवर हीयर अगर आप सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड में से सेवन वन फोर जीरो माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा सेवन फोर्टी एडवर्स देन द नेक्स्ट पॉइंट इज जेड जेड का हमारा स्टैंडर्ड क्वान्टी था दैट वॉज फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टिटी वॉज फोर फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस वॉज थर्टीन फाइव हंड्रेड इंटू ट्व टू सिक्स थाउजेंड आ जाएगा फोर फिफ्टी इंटू थर्टीन इफ यू टू यहाँ पे आ जाएगा फाइव एट फाइव जीरो जहाँ पे अभी पॉजिटिव आंसर आने वाला है दिस विल बी पॉजिटिव दैट इज वाई वन फिफ्टी फेवरेबल सभी को आप टोटल कर लो

पहले हम रिवाइज का फार्मूला लिखते हैं आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था फार्मूला हमने सीखा था फार्मूला था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मटेरियल हम लेने वाले ठीक है तो अभी ध्यान से पहले हम अभी एक्स का सॉल्व करते हैं एक्स का टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देखो इधर हमने पहले ही टोटल करके रखा ताकि अभी प्रॉब्लम ना हो तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सेस नाइन हंड्रेड इस तरीके से हमको सब्सटीट्यूट करना है कर रहा आपस के लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी वी हैव कैलकुलेटेड एज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी थाउजेंड टू हंड्रेड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स का सॉल्व करते वक्त एक्स का ही लेना है एक्स का था नाइन हंड्रेड इसका आंसर आपको आ जाएगा फर्स्ट वाले का नाइन फोर्टी वन के जी दैट विल बी दी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्स सिमिलरली वाई का करेंगे सेम आएगा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन अलग होगा थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू सेकेंड वाले का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था डेट वो एट हंड्रेड इसको अगर सॉल्व करोगे तो दैट विल बी एट हंड्रेड एंड थर्टी के जी ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुका है और सेकंड वाई अब जेड का ऐसा ही सॉल्व करेंगे हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय जेड के स्टैंडर्ड क्वांटिटी जेड की स्टैंडर्ड क्वांटिटी डी फाइव हंड्रेड को तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री

इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव टू हंड्रेड एंड थर्टी एडवर्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाई हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वाज एट फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस वॉस एट दैट विल बी अगेन नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेल्व एडवर्स फिर Z का सॉल्व करेंगे जेड के लिए कितना आया था आर एस क्यू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी वॉस फोर फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइज बॉस ट्वेल्व दिस विल बी फेवरेबल नाउ एट हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स फेवरेबल अभी एक फेवरेबल है दो एडवर्स है तो 876 में से 112 माइनस करें और 236 माइनस करें तो आपको आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव ओवर हियर यहाँ पे मैं टोटल लिखता हूँ टोटल हमें पॉजिटिव आ जाएगा दैट विल बी 528 हंड्रेड फेवरेबल ठीक है सिर्फ क्लेरिकल काम है अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो सब्सटीट्यूशन कम्स वेरी इजी फॉर यू दैट वॉज मटीरियल मिक्स वेरियंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस का बेस क्या बोलता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का बेस है आर एस क्यू

26, तीनों तीनों एडवर्स 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 तो 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 अगर आप तीनों है, तो यहां पे आ जाएगा 728 तो करते वक्त काफी पॉइंट्स दी अमाउंट्स अमाउंट्स कंफर्टेबल आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा अब इसको हम टैली करके देखेंगे तो आपको अब इसका एमयू वी चलो देख लेते हैं एक बार एम सी वी एम सी वी का कितना था सेवन नाइन्टी एडवर्स एम पी वी कितना था फाइव नाइनटी एडवर्स टू हंड्रेड एडवर्स तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेवन नाइन्टी एडवर्स एम पी वी कितना था एम वॉस फाइव नाइनटी एडवर्स प्लस एम यू वी वॉस टू हंड्रेड एडवर्स अगर आप इन दोनों माइनस माइनस बिकम्स प्लस तो आंसर नेगेटिव सेवन इक्वल टू सेवन टैली हो जाएगा। फिर एमयू वी वी इक्वल टू मटीरियल प्लस मटीरियल ईल्ड वेरियंस ये भी हम टैली कर सकते हैं मटीरियल मिक्स वेरियंस प्लस मटीरियल ईल्ड वेरियंस यू वी वॉज दिस एम एम वी एम एम वी अभी हमने सॉल्व किया मटेरियल मिक्स वेरियंस का टोटल 528 हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट फेवरेबल ठीक है फाइव हंड्रेड एंड फेवरेबल प्लस एम वाई वी सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट एडवर्स इसमें से माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा 200 एडवर्स दैट इज वाई अवर आंसर विल बी राइट सो दिस इज द कैलकुलेन ऑफ मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल इल्ड आई हैव सॉल्व लिटिल क्विकली इन द क्वेश्चन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द मटीरियल प्राइस वेरियंस मटीरियल यूसेज एंड मटीरियल कॉस्ट ओनली द पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन तो ट्राई करें इसको सोल्व करके देखे आपको सेम आंसर्स मिलने चाहिए जो हमने अभी सॉल्व करते वक्त देखे है और दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है तो दिस इज दी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन एंड दिस इज दी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड ठीक है ध्यान से तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास अवेलेबल है इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ वन एक्चुअल प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे टू लैख फिफ्टी टू टू थाउजेंड को टू लैख एटी थाउजेंड से डिवाइड करना कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज रूपीज टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड तो टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लैख टेन थाउजेंड करोगे टू लैख एटी थाउजेंड करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल प्राइस तो व्हाट विल गेट विल गेट एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे ढूंढने का देखो स्टैंडर्ड सेवेंटी के जी के लिए हंड्रेड के जी का इंफॉर्मेशन है तो सेवेंटी के मटेरियल लगेगा अगर आप फिनिश प्रोडक्ट हंड्रेड के का बनाओगे तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है टू लैख टेन थाउजेंड तो टू लैख टेन थाउजेंड के बदले में कितना लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी दिस इज हिंट फिर भी अगर कोई क्वेरीज होते हैं यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई फॉर दैट थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर